हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाइनेंस के 31st लॉन्च पूल प्रोजेक्ट हैश फ्लो के बारे में और कैसे आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एंड में बात करेंगे बाइनेंस के एसआईपी के बारे में, कैसे आप बाइनेंस के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं उनके नए फीचर ऑटो इन्वेस्ट के थ्रू। तो जिन लोगों को ऑटो इन्वेस्ट के बारे में पता है वेरी गुड, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ मुनेश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बाइनेंस के लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे बाइनेंस ने ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने अपने नेक्स्ट लॉन्च पूल प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है हैश फ्लो। और यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है जहाँ पे उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वो HFT यानी कि हैश फ्लो को लिस्ट करेंगे इनोवेशन जोन में 7 नवंबर को, और इसकी जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे कल से यानी कि 1 नवंबर से। यहाँ पे दो तरह के पूल आपको देखने को मिलेंगे, पहला है BNB पूल, दूसरा है BUSD पूल। और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.5% इनके टोटल सप्लाई का। तो यहाँ पे आपके पास अगर BNB है या फिर BUSD है बाइनेंस के ऊपर तो उसे जाके आपको स्टेक करना है। अगर आप यहाँ पे BNB के पूल में स्टेक करते हैं तो जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे 80% रखा गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे BUSD के पूल में जाके अपने BUSD को स्टेक करते हैं तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ 20% रखा गया है। और जो फार्मिंग का जो पीरियड है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा यानी कि कल से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 30 नवंबर तक, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीना है इसे फार्म करने का। लेकिन ये लिस्ट होगा दोस्तों 7 नवंबर को। तो अगर आप यहाँ पे 1 से लेकर 7 तारीख तक भी फार्म करते हैं तो आपको कुछ टोकन मिल जाएंगे और वो टोकन आपको इनके लिस्टिंग से पहले आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इनका जो स्नैपशॉट होगा वो हर एक घंटे में होगा और यहाँ पे ये यूज़र्स के रिवॉर्ड को अपडेट करते रहेंगे हर एक घंटे के अंदर। दूसरा, यूज़र्स यहाँ पे अपने रिवॉर्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली अपने स्पॉट अकाउंट के अंदर। तीसरा, आप अपने फंड को किसी भी टाइम अनस्टेक कर सकते हैं और पूल से अपने आप को निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपने यहाँ पे अपने फ़ंड को स्टेक किया है फार्मिंग के लिए और आपको इमरजेंसी हो जाती है, आपको अर्जेंटली अपने फ़ंड को विड्रॉ करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉकिंग पीरियड नहीं है। और हमने देखा है कि पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बाइनेंस के लॉन्च पूल में आए हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पे फार्मिंग में पार्टिसिपेट किया उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिला है। तो यहाँ पे बाइनेंस ने काफ़ी टाइम के बाद अपने लॉन्च पूल में एक नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो मेक श्योर अगर आपके पास BNB है या फिर BUSD है बाइनेंस के ऊपर तो आप जाके इनके फार्मिंग में पार्टिसिपेट करें और अपने फंड को इनके स्टेकिंग पूल के अंदर जाके ऐड करें और फार्मिंग स्टार्ट करें। और जो डेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कल से स्टार्ट होगा। बाकी जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको अगेन से अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। और अब बात करते हैं बाइनेंस में कैसे आप SIP कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आप जाएंगे बाइनेंस के ऐप के अंदर या फिर इनके वेबसाइट के अंदर तो आपको जाना है अर्न सेक्शन के ऊपर और यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है ऑटो इन्वेस्ट का। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे SIP की तरह अपने फ़ंड को अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। करीब 2 साल पहले दोस्तों मैंने SIP के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो जो वीडियो था वो BitBNS प्लेटफॉर्म के ऊपर था और BitBNS इकलौता ऐसा एक्सचेंज था 2 साल पहले जो यहाँ पे अपने कस्टमर्स को अपने यूज़र्स को SIP प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब मार्केट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन और एक्सचेंज है जो अपने यूज़र्स को SIP प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जिस एक्सचेंज के ऊपर या फिर जिस एप्लीकेशन के ऊपर SIP स्टार्ट करते हैं वो कितना जेन्युइन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर हम सबको पता है जो बाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज है और यहाँ पे इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे SIP को स्टार्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि BNB है, BTC है, इथेरियम है और भी बहुत सारे यहाँ पे टोकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मैं प्रेफर करूँगा BTC, इथेरियम या फिर BNB के अंदर ही SIP को स्टार्ट करूँ। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शंस मिलता है 3 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ और 7 डेज़। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं बाइनेंस ने जिसे आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ पे 7 दिन के लिए स्टार्ट करना है तो आप 7 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको 6 मंथ्स के लिए करना है तो आप 6 मंथ्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 ईयर्स के लिए करना है तो यहाँ पर आप 3 ईयर्स भी टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, तो जितने लंबे टाइम के लिए आप यहाँ पे SIP करते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होता है वो उतना ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे BNB की, 7 डेज़ के लिए अगर आप जाएंगे तो जनरली यहाँ पे आपको 6.97% के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 3 मंथ्स में थोड़ा सा कम हो जाता है, 6 मंथ्स में थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1 साल में थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप 3 ईयर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 1 साल के लिए, उसके बाद आपको क्रिएट प्लान के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो SIP है वो डेली बेसिस पे आपको चलाना है, वीकली चलाना है, बाई वीकली चलाना है, या फिर मंथली चलाना है, या फिर आप यहाँ पे आवर के हिसाब से भी कर सकते हैं। हर 1 घंटे में आप यहाँ पे SIP करना चाहते हैं, या 4 घंटे में, 8 घंटे में, 12 घंटे में, ये आपके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से जो डेली का जो एवरेज होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर दिन आपको अलग अलग प्राइस पे आप किसी भी टोकन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने डेली को सेलेक्ट कर लिया है। मिनिमम दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है 1 USDT का, तो मिनिमम आपको $1 से इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम ये आपके ऊपर है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ $5 दिन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम चूज़ करना है कि किस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाए। तो जो भी टाइम आप यहाँ पे चूज़ करेंगे उस टाइम पे पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, और हर दिन ये यहाँ पे डिडक्ट होता रहेगा। अगर आप वीकली करेंगे तो हर हफ्ते होगा, अगर आप मंथली करेंगे तो हर महीने होगा। तो मैंने यहाँ पे डेली कर दिया है, 5 USDT कर दिया है। उसके बाद आपको इनके एग्रीमेंट पर टिक कर देना है, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कन्फर्म। जैसे मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा, मेरा जो प्लान है वो शेड्यूल हो जाएगा, और ये जो ऑटो इन्वेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे आप अपने प्लान को देख सकते हैं। अगर आपको अपने प्लान को एडिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं, 5 से 1 करना चाहते हैं, या फिर आप 10 करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने रिकरिंग साइकिल को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, बाइनेंस ने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात ये भी है दोस्तों कि जब भी अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने किसी ने भी उस समय इस वाले वीडियो को देख के SIP स्टार्ट की होगी, तो हम सबको पता है कि उस समय कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। मुझे आज भी याद है, करीब जब BTC की प्राइस उस समय 8,000 और 7,000 के आसपास चल रही थी, तब मैंने स्टार्ट किया था, और इसे मैंने सेल आउट किया था जब BTC की प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 हो गई थी, और मुझे लगा था कि शायद 40,000 ही ऑल टाइम हाई होगा, लेकिन उसके बाद BTC की प्राइस 63,000 तक गई थी, तो मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ था। लेकिन SIP में दोस्तों आप एक बात मान के चलें कि अगर आप यहाँ पे SIP स्टार्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, तो ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ही देगा, फ्यूचर में कम नहीं देगा, तो ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कुछ सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। सभी के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।